दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक फ्रॉम कैनेडा हिमाचल। तो फिर से शुरू हो गए खेतों के काम। आज खेतों के काम का दूसरा दिन है। कल घास वगैरह काट के साफ किया था खेत, आज उसमें बीज बोने का टाइम आ चुका है। तो देखते हैं मम्मी क्या बीज बोते, तो चल के पता चलेगा। अभी मैं रोड पे हूँ, तो मिलते फिर आपको खेत पे। और मैंने आज मास्क लगा रखा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और ठंड की वजह से फिर नाक से बिल्कुल लाल हो चुका है। दिन के 11 बज रहे हैं। मम्मी आगे पानी लेके, अब पानी पी लेते हैं फिर करते हैं काम खेतों में। अब मम्मी मेरे को बोल रहे काटा दीजिए कि नहीं खे छा पानी। कैल्शियम क्या दे, पिंग हो रही बास लग हुई। रोटी के लिए घर पे आया था, रोटी तो खा ली, अब खेत से ले जाना है मैडा। लोकल भाषा का शब्द है हमारी मैडा, उसको ले चलते हैं अब ऊपर जो दूसरे खेत है उनमें। ये रहा भाई हमारा मैडा। यहाँ पे हमारा ठीक है था, गया था ना 10 जने खरो से रामलीला क्या कर दे रहा हो। 10 जने बोल लो, सिर्फ 30 जने और सिर्फ 10 जने करो रामलीला बोलिया उसने, तो सिर्फ 10 ही जने का है, बाकी कोई नहीं। क्या वो गुम्बर लगे? अच्छा, ठंडा फिर इतने आराम चल रही है बिल्कुल ही। मैं तो पहुंच गया खेत पे, बचे हुए जो काम है उनका निपटा लेते हैं। एक खेत तो निपट गया, बाकियों में काम बाकी है, तो उनको निपटा लेते हैं। लो मम्मी ये बजरी थैली और द्राट, ये खेत बाकी यहाँ पे अब, और इसको भी खाली करना बाकी। इसमें बहुत सा घास है, उसको साफ करके फिर इसमें बुआई करेंगे। खेत आप ये देख रहे हैं नीचे, इस खेत में पूरे में बीज को हमने बो दिया। अभी दो खेत ही हमारे पूरे दिन में पूरे हुए, पूरा दिन तो नहीं, लंच करने घर पे चले गए थे फिर उसके बाद काम करने आए थे। तो खेतों का काम तो अभी हफ्ता 10 दिन चलते रहेंगे, फिर जाके कहीं पूरे होंगे बीज बीजने के। बाकी ऐसे तो खेतों के काम चलते रहते हैं, तो अंधेरा होने को है, अब चलते हैं घर की ओर। एक बार आपको खेत दिखा दूं, फिर चलते हैं। ये रहा खेत, और ये इसकी साइडों पे गन्ने, और बिल्कुल खेत के अंतिम छोर पे है केले का पौधा। आज के लिए इतना ही,
मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, फिर बाय बाय।